हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। टूल्स ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मल्टीमीटर को किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, मेरे पास जो मल्टीमीटर है ये जनरल पर्पस मल्टीमीटर है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप रेट में आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। करीब दोस्तों, मैं आपको इसका जो रेट भी बता देता हूँ, 150 से 200 रुपये के बीच में है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की जो मल्टीमीटर्स होते हैं आपको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जो कि दोस्तों जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो एंटर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटर सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, मैं आपको शॉर्ट में मैंने जो वीडियो बना रखा है वो अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो आप उस वीडियो में जाकर आप लाइन बाय लाइन देख सकते हो। देखिए दोस्तों, अब हम पहले देख लेते हैं जो मल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कि ये जो हमारा जो मल्टीमीटर है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहले हम देख तो लें कि अगर हम जब मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट में जब आप मल्टीमीटर को परचेस करने जाते हो तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको जो दो केवल क्रॉप दिखाई देगी ये, और एक आपको एक मल्टीमीटर मिलेगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने जो क्रॉप है ऑलरेडी मैंने नई वाली परचेस कर रखी है, मेरी ऑलरेडी ख़राब हो गई थी, इसीलिए आपको जो क्रॉप है कुछ अलग टाइप की देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अब जो आपको जो दो क्रॉप रहती है, एक जो रेड वाली होती है और एक ब्लैक वाली होती है, कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, जो आपकी जो रेड वाली होती है वो आपको पॉजिटिव का काम करती है, और जो आपकी जो ब्लैक वाली होती है वो आपका नेगेटिव का काम करती है, ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता है। देखिए दोस्तों, अब आप इसको क्या करते हो कि जब आप नया नया मल्टीमीटर लेकर आते हो तो आप क्या करते हो, जो कि आपको क्या करना है कि इसको क्रॉप को कैसे अटैच करना है इस मल्टीमीटर के साथ। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जो आपका ब्लैक वाला है, यानी कि आपको जो ये जो कॉमन है ऑलरेडी आपको पता है, और जो ये आपको जो साइन गिवन है ये ग्राउंड का होता है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लैक वाला इसमें पुट कर देना है कुछ इस तरीके से। और अब आपका क्या करना है, जो रेड वाला जो क्रॉप होता है जो कि पॉजिटिव होता है, वो आपको क्या करना है, वी ओम एम ए, यानी कि यहाँ पे आपको जो गिवन रहता है, यहाँ पर आपको जो रेड वाली क्रॉप है आपको यहाँ पे इस मल्टीमीटर में अटैच कर देना है। देखिए दोस्तों, अब हमारे जो दो क्रॉप अटैच हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, ये मल्टीमीटर में कोई स्विच नहीं होते हैं, आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये नॉब को रोटेट करने से मल्टीमीटर ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने जो डिस्प्ले में क्या शो होगा कि आपको माइनस वाला साइन इंडिकेट करेगा, और एक दोस्तों अभी काफ़ी जो जब आपका क्या हो जाएगा, जो मल्टीमीटर चलते चलते क्या हो जाता है, उसकी बैटरी लो हो जाती है, तो आपको क्या करता है, बैटरी जो इंडिकेट करता है वो आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा। जैसे कि मेरा जो मल्टीमीटर बैटरी इंडिकेटर शो कर रहा है। दोस्तों, अगर मेरे वॉइस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए, केवल आप नॉलेज पर ध्यान दीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और अगर आपको पसंद आ जाए तो अभी के अभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों जो भी जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो दोस्तों, मैं वीडियो अलग अलग ट्यूटोरियल वाइज बताता हूँ, उसके साथ में आपको ज़्यादा समझ में आता जाएगा। मैं ये फर्स्ट ट्यूटोरियल आपके सामने बना रहा हूँ, जो कि दोस्तों पहला जो मल्टीमीटर वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है, केवल आज हम इसके बारे में जानें कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम अलग अलग जो आपको जो वैल्यूज़ गिवन है, हम इन वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर को केवल हम अभी हम इसमें यूज़ नहीं करते, केवल हम देख लेते हैं कि इसमें जो मल्टीमीटर में क्या क्या इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्या करता हूँ, इस मल्टीमीटर को पहले तो ऑफ़ करता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में जो स्क्रू ड्राइवर है, आप इस तरीके से आप इसको ओपन कीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि मेरा जो मल्टीमीटर ओपन हो गया है, और जो बैक पैनल है मैंने दोस्तों स्टैंड के लिए लगाया था, जो कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप मल्टीमीटर का स्टैंड बना सकते हैं, जो कि दोस्तों इसमें गिवन नहीं होता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो मैंने जो वीडियो का जो लिंक दिया हुआ वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो।
देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि इसका जो इंटरनल पार्ट है वो आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑन बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर प्रेजेंट है, जो कि दोस्तों अलग से माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता है इसमें, जिसके अंदर जो पीसीबी के अंदर ही, यानी कि पीसीबी के जो पैनल है उस पर ही जो ऑन बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर को डिज़ाइन किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो सेक्शन है, आपका डिस्प्ले सेक्शन है, जो कि दोस्तों आपको जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टर है, जो कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको डायरेक्टली जो आपको जो आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आपको क्लियरिटी में दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और जो आपको जो अलग अलग ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आपको कैपेसिटर जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए, जो भी कई सारे कंपोनेंट्स जो कि एसएमडी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक हो गया आपका मदरबोर्ड पूरा पार्ट जो मल्टीमीटर का हो गया है। देखिए दोस्तों, ये जो क्या है, ये है आपका पीजो इफेक्टिव बजर, यानी कि आपको ये ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं इनको हम। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, वाइब्रेशन के थ्रू आपका एक साउंड जनरेट करता है। जाके दोस्तों, आप कभी भी अक्सर आपने देखा होगा कि जो मल्टीमीटर से बीप बीप करके जो साउंड आता है, वो ये जो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से ही आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें जो साउंड जनरेट होता है, तो आपको जो दोस्तों इसमें जो स्पीकर नहीं होता है, केवल ट्रांसड्यूसर था। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है और सबसे आपको जो बीप जो साउंड जनरेट होता है वो आपको इससे आउटपुट निकाल के दिखाता है। अब देखिए, आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि इसकी जो नीड है कनेक्टेड है यहाँ पर अलग अलग प्रकार से, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और ये आपको यहाँ पर अलग अलग वैल्यू गिवन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका कॉमन का होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि आप माइनस वाला पुट करते हो, ये आपका रेड वाला होता है, यानी कि आप जो वोल्टेज वगैरह जो जितने भी जो आउटपुट आते हैं वो आप इसमें मेजरमेंट करते हो। ठीक है दोस्तों, और जो ये आपका होता है, ये एम्पियर के लिए होता है, जो कि दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा पूरी डिटेल्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आपकी जो बैटरीज होती है, कभी कभी क्या होती है, जैसे मेरी आप बैटरी देख सकते हो कि मेरी बैटरी क्या हो गई है, लो हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी को ईजिली आप क्या कीजिए, आप जो इस बैटरी है, आप इस बैटरी को आप क्या कीजिए, रिप्लेस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, रिप्लेस करना बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो बैटरी निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करते हो दोस्तों, आपकी जो बैटरी, जब आपको नई बैटरी आपको लगानी हो, आप कैसे लगाओगे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर गिवन है प्लस वाला और माइनस वाला, आपको जो साइन इंडिकेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर गिवन है प्लस वाला, ठीक है दोस्तों, और आपको जो माइनस वाला टर्मिनल गिवन है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इस बैटरी को आप क्या कीजिए, इसमें आप अटैच कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होगा, आपका मल्टीमीटर ऑन हो जाएगा इस कंडीशन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग, अब हम इसमें जो देख लेते हैं इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ इस मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसकी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। अब आपका ये ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या एक और स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, ऑल राइट नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको जो इसको धीरे धीरे आप इसको अप कीजिए और आपका आसानी से ये आपका इजी तरीके से आपका आउट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ऑल राइट, मैंने जो टेप को प्रेस किया हुआ था, लगा हुआ था। अब आप देख सकते हो कि आपको जो अलग अलग क्या है गिवन है, इसमें आपके जो अलग अलग रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज़ होती है वो आपको यहाँ पर गिवन होती है, जिसके कारण आपको जो आउटपुट शो करता है। ये जो पिंस है, ये आपकी जो डिस्प्ले की जो पिंस को, जो कि ये रबर वायर जो कनेक्टिविटी आपस में डिस्प्ले को कनेक्ट करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और अब आप देख सकते हो कि ये जो आपको जो आप नॉब को रोटेट करते हो, उसके एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो कि होता है आपका मेटल बॉल होती है, ऑल राइट, मेटल बॉल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, जो कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर पुट की गई है, और आपको जो ये जो बॉल है इसके साथ मैटेज होती है। जब आप इसको रोटेट करते हो तो ये अलग अलग डायरेक्शन में आपको जो साउंड सुनाई देता है वो इस बॉल की वजह से ही आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्या करते हैं, इस बॉल को भी हम थोड़ा सा बाहर कर देते हैं ताकि हमारी जो बॉल है सेफ रहे। अब आप देख सकते हो, ये जो आपका डिस्प्ले सेक्शन है, अब आप देख सकते हो ये जो आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD डिस्प्ले है,
ठीक है दोस्तों, जो कि एलसीडी डिस्प्ले है। अब आप देख सकते हो ये जो हमारी जो एलसीडी डिस्प्ले है कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो सेमी कंडक्टर्स जो मटेरियल्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर जो एक केमिकल की हेल्प से आपको बनाई जाती है, जिससे कि वो जो कनेक्टिविटी होती है वो इस मदरबोर्ड तक पहुँच जाती है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट दोस्तों, और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जब आप दोस्तों क्या करते हो, जो ट्रांजिस्टर होते हैं आपके, ऑलराइट, जो ट्रांजिस्टर की जो टर्मिनल होते हैं NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, वो आप इसमें जब आप पुट करते हो तो आपको जो डिस्प्ले पे वैल्यू बता देता है कि आपका NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर। तो वो भी इसकी जो डिटेल्स हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस मल्टीमीटर को वापस से मैं पहले जैसा नया बना देता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं इस मल्टीमीटर को वापस से असेंबल कर लेते हैं और हम पहले जैसा मल्टीमीटर को बना देते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो LCD को आपको इस तरीके से अटैच कर देना है, और आपको जो मेटल बॉल्स आपको दी गई है वो आपको मेटल बॉल्स को इस प्रकार से आपको एक एक हॉल में आपको रखना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, और जब आपका जो ये जो नॉब होता है आप जब इसको रोटेट करते हो तो आपको इस जो हॉल है वो आपको मैच करके ही आपको इस प्रकार से मैच करके ही ये देखिए, तो ये आपकी जो मेटल बॉल्स है वो इसी के अंदर फिक्स रहती है, और जब आप इसको रोटेट करते हो तो बॉल इसी के अंदर प्रेजेंट रहती है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपको जो ये गिवन है जो कॉपर की ब्लेड है, कॉपर की निडिल है, क्योंकि दोस्तों इससे जो अटैच होती है जो कंडक्टिविटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कॉपर, वो तो आप सभी को पता है दोस्तों, जिससे कि ये जो अलग अलग जो कनेक्शंस होते हैं इसमें कनेक्शन में जो टच होते हैं तो उसके कारण आपको जो अलग अलग जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो वैल्यूज़ अलग अलग गिवन है इस पर जो डिज़ाइन किया गया है वो आपको डिस्प्ले पे आउटपुट शो करता है। ऑलराइट, तो अब हम इसको क्या कर ले, ये जो मदरबोर्ड है हम इसमें पुट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको काफ़ी सावधानी करके करना है, वरना अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो जो आपको कुछ भी डैमेज हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले एक बार फिक्स करके दिखा देता हूँ, ये जो फिक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब ये फिक्स हो गया है। अब आप क्या कीजिए, जो कि आपकी जो स्क्रू है वो हमने जो स्क्रू को ओपन किया था सबसे फर्स्ट में, वो हम स्क्रू को यहाँ पर इजीली टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये वाला स्क्रू भी है हमारा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कोई सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली जो आपको जो रबर वाला जो सिस्टम दिया गया था डिस्प्ले जो कनेक्शन करने के लिए वो आपको इजीली अटैच हो जाता है इसमें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको आसानी से मल्टीमीटर को क्लीन भी कर सकते हो, जब आपका जब चलना बंद हो जाता है या फिर कुछ भी ख़राबी आती है तो आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो। तो एक तरीके से जो वीडियो हो गया ये डिसअसेंबल से भी रिलेटेड वीडियोस हो गया है हमारे लिए। तब हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे जो मल्टीमीटर है वो अभी चालू कंडीशन में है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में, यानी कि हमारा जो प्लस वाला ये यहाँ पर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हम जो ये नॉब को रोटेट करते हैं, और राइट, हमारा जो मल्टीमीटर है ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम पहले मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो इसका जो पीजो इफेक्टिव जो बजर है, जो कि ये ट्रांसड्यूसर है, वो किस तरीके से साउंड करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको ओपन करने पे ही मैं आपको चला के दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, ये वाली क्रॉप को हम यहाँ पर अटैच, अभी फ़िलहाल में मैं उल्टा कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं इसको ओपन कंडीशन में इसको, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा जो कंटिन्यूसी बजर रेंज में आपको, देखिए आप देख सकते हो कंटिन्यूटी बजर रेंज पे आपको यहाँ पर सेट करके रखना है। और अब आप क्या करते हो कि आपकी जो ये जो क्रॉप है, ये जो क्रॉप है आप इसको जो टच करते हो तो आप देख सकते हो इसका जो साउंड जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हो इसकी जो रीडिंग भी आपको 00 दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, 00 या फिर कुछ अलग भी वैल्यू शो होती है इस प्रकार से। तब हम देख सकते हैं कि आपका जो साउंड इसमें से जनरेट होता है, यानी कि ये कोई स्पीकर नहीं है, ये फ़िलहाल में एक ट्रांसड्यूसर है जो कि वाइब्रेशन के थ्रू आपको साउंड जनरेट करके दे रहा है। ऑलराइट, ये एक ट्रांसड्यूसर के बारे में हम अलग टॉपिक में बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसड्यूसर एक्चुअली होता क्या है।
तो अब हम फिलहाल में इस जो मल्टीमीटर को वापस से असेंबल कर देते हैं। सबसे पहले तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको क्या करना है, इसका जो बैक पैनल है आपको पहले देख लेना है कि जो आपको ये जो लॉक सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, आपको इस लॉक सिस्टम में आपको यहाँ पर अटैच करना है कुछ इस तरीके से। और आपको क्या करना है, ये आपको धीरे से प्रेस करके आपको ये जो दिया गया है आपको लॉक कर देना है, और उसके बाद आपको स्क्रू टाइट कर देना है। ऑलराइट, तो अब आपका ये जो मल्टीमीटर है वो आपका इजीली टाइट हो गया है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो मल्टीमीटर है वापस से पहले जैसी कंडीशन में आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस ट्यूटोरियल में आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो। अगर आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ केवल नॉलेजेबल के लिए बनाता हूँ, और कोई पर्पज़ के लिए, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। ताकि दोस्तों जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में जो नए फील्ड में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो अलग अलग जो वैल्यूज़ है कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट जो सेकंड ट्यूटोरियल आने वाला है मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। अभी हमने आज जाना कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो किस तरीके से हम जो हमारा जो मल्टीमीटर है वो इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो आप इसको ईजिली रिपेयर भी कर सकते हो जब आपका मल्टीमीटर ख़राब भी हो जाता है, और आप इसको आसानी से यूज़ भी कर सकते हो। हमने जाना कि किस प्रकार से जो मल्टीमीटर का जो इंटरनल पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तब हम इसको वापस से रख देते हैं।